हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो तीन टाइप के लोगों के लिए है जो कि इन तीनों को चाहते हैं। तो फर्स्ट है कि कुछ लोग चाहते हैं कि अपने घर को किसी छोटे छोटे प्लांट से सजा सके, जिससे उनका घर सुंदर भी लगे, छोटा भी रहे और ज़्यादा कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े। पहला उनके लिए। दूसरा है उनके लिए जो है, जो लोग लव बर्ड्स या फिर बजीज लोग पालते हैं ना, लोग बर्ड्स है ना, तो उन लोग का खाना भी आप जो देख सकते हैं ये है। तो इस टाइम कई 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 जगहों में लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो इसके कारण मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये थोड़ा सा से बहुत सारा बाजरा कैसे बना सके, तो इसको ग्रो करके बताएंगे। और तीसरा उन टाइप के लोगों के लिए है जो कि उनको खा ये लीव्स का भी फीड देते हैं, जैसे जो बजीज होते हैं ना, उनको इसके लीव्स भी बहुत पसंद आते हैं, तो उन टाइप के लोगों के लिए। तो और इसको ग्रो होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 3 दिन में ग्रो हो जाता है और इतने छोटे छोटे रहते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। और फिर बाद में इसका पार्ट 2 भी आएगा, जब ये ग्रो होगा उसका शॉर्ट्स में मैं दूंगा, और इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे इसका क्रेयर करें और इसमें फल और यानी बाजरा कैसे लाए। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी एक जगह ले लीजिए, मैं एक छोटा सा डियर ले चुका हूँ, तो इसमें मैं इसको ऐसा करके डाल देता हूँ। ये देखिए, इसको डाल दिया, नहीं इसको डाल दीजिए आराम से हल्के हाथों से, जैसे ये टूटना है, टूटना नहीं चाहिए तो फिर ये काम का नहीं रहेगा। देखिए हम इसको आप दे दिए, थोड़ा सा और दे देते हैं। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी छिड़क देनी है ताकि ये ढक जाए। ये देखिए, तो ये जैसे ही ढक जाता है आपको इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है, हल्का सा ही पानी देना है। देखिए इसको पानी डाल, इसको देखे हल्का हल्का करके उंगली को ऐसे कर दीजिए ताकि ये थोड़ी ऐसे करके ज़्यादा ना दबे। और फिर जब भी आपको इसमें पानी डालना है हाथों से, हल्के हाथों से डालना है। देखिए आराम से डालते हैं इसको, देखिए डल गया पानी। अब इसको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, और जैसे ही आपको दिखेगा कि ये ग्रो हो रही है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट से हटा के कोई शेडी एरिया में रख देना। और फिर जब ये छोटे छोटे ग्रो हो जाएंगे आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो शुरू में इसके मिट्टी को ऐसे ही करके रखना है, इसलिए इसमें छेदा नहीं होना चाहिए कोई भी छेद, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे टाइप के ह्यूमिड इलाके में ही ग्रो होते हैं, कोस्टल टाइप के इलाकेज में। तो हमारे ये वाला पार्ट हो गया। अब हमारा मेन और दूसरा पार्ट आता है। मेन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़े अमाउंट में उगाएंगे इस बड़े से टब में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस टब को पहले हमें पहले ही भिगो लेना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करेंगे। ये देखिए इसको भिगा लेना है, क्योंकि बाद में ज़्यादा तेज़ी से पानी गिरेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ये हिल जाएंगे अपनी जगह से। तो पहले यहाँ पे और भी मैंने कुछ कुछ ग्रो करके रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो भी आपका ये है, अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो फिर आप कोई भी बर्ड्स के दुकान में जाइए, जहाँ पे बर्ड्स के खाना मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप बोलिएगा कि आपको उसका फीड चाहिए, कोई भी एक बर्ड्स का नाम बोल के उसका फीड चाहिए, तो वो दे देंगे आपको। और कम अमाउंट में बोलना ताकि वो कम दे, क्योंकि ज़्यादा से वेस्टेज हो जाएगा। तो कम जैसे ही ले लिया आप इसको आराम से, जैसे हम लोग उसमें फैलाए, पर बहुत दूर दूर रखना है ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाए। ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। और इसका पार्ट 3 आएगा, 2 सारी गलती से बोल दिया। पार्ट 1 में हम लोग ये उगा लिए, ग्रो कर लेंगे, ऐसे सारा जैसे ग्रो करते हैं वो दिखाएंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा और कैसे इनको बहुत से दूसरे जानवरों से बचा जाए, क्योंकि आप रात को नोटिस करेंगे कि इसको खाने के लिए चूहे और स्क्विरल्स वगैरह वगैरह आते हैं, तो उसको कैसे भगाया जाए। और तीसरा पार्ट रहेगा कैसे इनमें बाजरा लाया जाए। तो ये देखिए अच्छे से फैल चुके हैं,
जो भी बचा है मैं उसको भी दे देता हूँ। ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर को मिट्टी छिड़क देनी है जो कि थोड़ी मॉइस्चर्ड हो, ये देख सकते हैं। पर इसमें ये मत गलती करना कि इसमें जगह ना बचे पानी निकलने का, क्योंकि इस वाले जगह में आपको शेड वो लगेगा ही लगेगा, पानी एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़े अमाउंट में फल के लिए ग्रो हो रहे हैं तो उसका अलग वाला तरीका रहता है। अगर हम लोग इसको घर में छोटे अमाउंट में करते हैं और कम किसी शो पीस के लिए करते हैं तो फिर पानी से भरा वाला होता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन बचे रहते हैं पर वो छोटे ही रहते हैं, बड़े नहीं होते हैं, पर ये वाले बड़े होंगे। और इसमें जैसे आप पानी देते हैं सारे पेड़ों को वैसे ही देना पड़ा। ये देखिए हमारे ये अच्छे से फैल चुका है, अभी पूरा भी नहीं ढक देना है, थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर निकला होना चाहिए। देखिए अब जैसे ही इतना हो गया, चलिए हमारे ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और ऐसे ही और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लांट्स के प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। और अगर ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक प्लीज़ कर देना। बाय।